नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत आप लोगों का हमारे चैनल टेक्निकल जीनियस में। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आप लोगों को जन्म प्रमाण पत्र यानी कि दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है वो भी ऑनलाइन, तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जन्म प्रमाण पत्र आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप कंप्यूटर किसी भी डिवाइस से जो आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। और देखो दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपके पास दो चीज होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक एप्लीकेशन नंबर। लेकिन दोस्तों इनकेस मान लो अगर आप लोग पास रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर नहीं है, फिर आप कैसे डाउनलोड कर सकती हो, तो दोस्तों देखो वो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तो दोस्तों आप जो है डेट ऑफ बर्थ से जो यानी कि दोस्तों जो जन्म का तारीख है उससे जो आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। तो चलो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जन्म प्रमाण पत्र आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको अपने डिवाइस के अंदर गूगल क्रोम को यहां पर ओपन करना है और यहां पर दोस्तों आपको सर्च मारना है NDMC। ये आपको यहां पे सर्च कर लेना है। जब आप यहां पे NDMC सर्च मारोगे, आपके पास दोस्तों सबसे पहला वाला वेबसाइट दिखेगा आपको, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल करके। आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट के अंदर आपको जाना है। उसके बाद दोस्तों यहां पे पब्लिक नोटिस आपको दिखेगा, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, क्लिक हियर टू कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप इस पर आप क्लिक करते हो, NDMC का दोस्तों पोर्टल यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, प्रॉपर्टी टैक्स का, बाकी स्टेट का, भारत गैस बुकिंग का, मतलब दोस्तों जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है इस वेबसाइट पे वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेंगे। आपको दोस्तों क्या करना है, आपको जाना है बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसके अंदर जाना है बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन में। इसमें मिलेगा दोस्तों आपको बर्थ सर्टिफिकेट फर्स्ट में, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो एप्लीकेशन नंबर डाल के आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट। अगर वो नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ डाल के आप जो है यहाँ पर ढूंढ सकते हो। लेकिन दोस्तों आपके पास एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आपको मिलेगा डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको डालना है जन्म की तारीख, उसके बाद दोस्तों जो बच्चा हुआ था उसका मेल है फीमेल है जो भी है उस बच्चे का जनरल यहाँ पर आपको यहाँ पर डालना है, उसके फादर का या फिर मदर का नेम यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि दोस्तों देखो, नाम अगर राहुल है या फिर रोहित नाम है तो दोस्तों नाम का जो शुरू का 3 अक्षर होगा कैपिटल में वो आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन आपको क्लिक करना है और आपको दोस्तों जो बर्थ प्लेस है वो आपको यहाँ पे कर लेना है सिलेक्ट, जो भी हॉस्पिटल में उसका बर्थ हुआ है, घर पे हुआ है, जहाँ पर भी दोस्तों उसका बर्थ हुआ है वो आपको यहाँ पे कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कैप्चा कोड डाल के आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बच्चे का नाम जो भी होगा नाम यहाँ पर होगा, हो सकता है कि नाम अगर नहीं चढ़ा हो तो नाम यहाँ पर नहीं होगा, ब्लैंक हो सकता है यहाँ पे ब्लैंक हो, लेकिन अगर आपने नाम चढ़वाया होगा तो यहाँ पर नाम आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बच्चे का फादर का नेम यहाँ पर होगा, बच्चे के मदर का नेम यहाँ पर होगा और उसको दोस्तों बगल में यहाँ पर आपको मिलेगा सिलेक्ट का एक ऑप्शन, आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए। इस पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसको ओके कर देना है। ओके वाला ऑप्शन में दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, अब दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, प्लेस ऑफ बर्थ और परमानेंट एड्रेस, ये सारा डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बच्चे का। अब दोस्तों सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना, नीचे इस फॉर्म को फिलअप करना है, जैसे कि एप्लीकेंट का नाम यानी कि दोस्तों बच्चे का क्या नाम है वो नाम यहाँ पर आपको डालना है, ऊपर से आप कॉपी करके यहाँ पर आप डाल देना। अगर कोई नाम नहीं हो तो यहाँ पर स्पेस वाला बटन आप दबा देना, ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेंट का एड्रेस, यहाँ पर जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आपको डाल के आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट वो यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब दोस्तों इसको आप जो है PDF में आप इसको डाउनलोड कर लो, PDF में सेव कर लो और किसी भी दुकान में जाकर आप इसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि बर्थ सर्टिफिकेट हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन नंबर, बिना एप्लीकेशन नंबर के। अगर दोस्तों ये सब नहीं है तो आप जैसे मैंने बताया आपको प्रोसेस, इस प्रोसेस से आप जो है डाउनलोड कर सकती हो। बाकी अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर है तो अच्छी बात है, आप उससे भी डाउनलोड
कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।